हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका दोस्त सूर्यान चंचल आज आपके लिए लेकर आया हूँ वरना SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट, जो कि डीजल ऑटोमेटिक के अंदर है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, 2021 वेरिएंट है। तो आज इस गाड़ी के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ब्लू लिंक जो एप्लीकेशन है हुंडई वालों की उसके बारे में एग्जैक्ट सब कुछ A to Z डिस्क्राइब करूंगा। तो इस वीडियो को एक तो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज शेयर भी कर देना, और साथ में इस गाड़ी को चलाकर भी देखेंगे। A to Z सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, वो अराउंड भी दूंगा। साथ में जिस भाई की गाड़ी है, मेरे प्यारे अच्छे भाई है, मित्र है मेरे, उनकी गाड़ी है, उनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाड़ी के बारे में। साथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे आकर गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे गाड़ी कौन सी अच्छी रहेगी, प्री ओन्ड कार में कौन सी अच्छी कार है, बजट के हिसाब से कैसी गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी आपको पूछना है आप सब पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एक तो एंड तक देखना। सो लेट्स गो। इसमें आपको कुछ इस तरीके की की मिल जाती है, इसके ऊपर भाई ने सुंदर सा कवर लगा रखा है। किस किस चीज का कंट्रोल है भाई ये, लॉक अनलॉक? ये बूट का, बूट ऑटोमेटिक। हाँ, ये उसका साइरन का होगा। हाँ। ठीक, तो सबसे पहले भाई आप ये बात बताओ कि आपने डीजल ऑटोमेटिक ही क्यों उठाई, क्योंकि टर्बो पेट्रोल में मिल जाता है इतने में? भाई आदत ही डीजल चलाने की है शुरू से ही, तो इस हिसाब से फिर डीजल ही ली। ठीक, और माइलेज कितना निकाल रही है भाई? माइलेज तो 1500 टर्बो डीजल इंजन है। हाँ, पावर फिगर्स आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये इसके पावर विंडोज के कंट्रोल, लॉक अनलॉक का बटन, साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल, और क्या क्या चीज है भाई इसमें? ये ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर्स है, ये कंट्रोल्स है इसके मिरर के, ये लॉक अनलॉक, ये विंडो लॉक। अभी आपको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताएंगे। भाई साहब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या है इसमें। ये स्पीडोमीटर है। हाँ। ये रेस वाला टैकोमीटर है। हाँ। इसमें अपना टॉगल कर सकते हैं MID में। अच्छा, अपना कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे एवरेज वगैरह, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल है, ये चेंज कर सकते हैं। फुल्ली डिजिटल दे रखा है आपको। हाँ, सुंदर स्क्रीन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं इसमें। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का भी बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। हाँ, देखो ये काफी सुंदर सा मतलब बना रखा है। हाँ, फुल्ली फीचर इसकी, इसकी अपने ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं भाई पूरा। ये थोड़ा BMW स्टाइल है। क्या बात है, सही है यार। थोड़े से फीचर्स इसके बारे में और बता दीजिए। व्हाट इज दिस ब्लू लिंक? ब्लू लिंक भाई एक ऐप है बेसिकली, हुंडई ने डेवलप करा है जो। हाँ। उसके अंदर हम व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि गाड़ी के बाहर बैठ के हम ले सकते हैं अपने फोन पे। तो इस शीशे से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका? हाँ जी, यहाँ पे भी ब्लू लिंक का ऑप्शन है, इसको टैप करेंगे तो जिसके फोन में ब्लू लिंक ऐप इंस्टॉल्ड है इस गाड़ी का, उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ये SOS बटन है इन केस ऑफ इमरजेंसी वगैरह, तीन जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है उनके पास मैसेज, लोकेशन, सब कुछ चला जाएगा। फुल्ली GPS कंट्रोल गाड़ी ले रखी है भाई। हाँ जी, ये है भाई, इससे जब टो करते हैं गाड़ी उस टाइम यूज होते हैं फीचर। ठीक, तो आप देख सकते हैं मिरर के ऊपर भी इतने सारे फीचर दे रखे हैं इसमें। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है जिसके अंदर सुंदर सी दवाइयां रखी हुई है। ये आपको इतनी सारी, ये LED है, हैलोजन है, हैलोजन लाइट्स, हैलोजन लाइट्स है, कैबिन लाइट्स। इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है। क्या बात है, ऑटोमेटिक सनरूफ के साथ। स्मूथ है, आवाज नहीं कर रही यार इसकी सनरूफ, नॉर्मली गाड़ियों की आवाज करती है, बड़ी सही है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फिनिश, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज कर रखा है। यहाँ पे आपको बीज कलर का एक्सेंट मिल जाता है, साथ में लेदर सीट्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं हम, ये दो बटन किस चीज के हैं? ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, हाँ जी, इसको आप अपनी कम ज्यादा कर सकते हैं, फुल स्पीड कम। हाँ, मुझे फील हो रहा है वैसे इस के अंदर, सीट्स के अंदर। हाँ जी, और ये है अपना वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। इस पे जैसे कोई फोन है ना वायरलेस चार्जिंग वाला। हाँ। वो रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक है, अभी ये ऑफ पे है।
सही है। ये आपको गियर नोब भी काफी अच्छी पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट दे रखा है। ये फास्ट चार्जिंग का यूएसबी है। सही है यार, सही है। ब्लू लिंक के बारे में आपको बताऊं तो ब्लू लिंक एक ऐसी ऐप डेवलप कर रखी है। एक बार आप इंटरफेस दिखाएंगे ब्लू लिंक का, स्क्रीन कीजिए। ये हमारा आईफोन है, इसमें भाई ने ब्लू लिंक डाला हुआ है। ब्लू लिंक का ऐप ओपन किया तो एक सेकंड, ये सब फीचर है इसके अंदर। लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये करके दिखाएंगे, स्टार्ट गाड़ी में हो जाएगा? नहीं, अभी गाड़ी के अंदर बैठे ना, बाहर से कर सकते हैं। बाहर से कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड मांगता है, कुछ भी करना हो तो पासवर्ड चाहिए। ठीक है। तो ये हॉर्न का है, इंजन ऑफ है, इंजन स्टार्ट है, ये क्लाइमेट सेटिंग्स है, कितना करना चाहते हो, टेम्परेचर। एसी के कंट्रोल्स भी इसी के अंदर है। एसी के कितनी देर के लिए ऑन रखना चाहते हो आप? पहले जैसे अब गर्मी है तो बाहर से ऑन कर दो गाड़ी, फिर चिल्ड मिलेगी जब बैठोगे। और उसके अलावा अपनी सारी लोकेशन, माई ट्रिप्स में जाओ, जब से गाड़ी ली है उस दिन से जितनी भी जगह गए हैं, जैसे अभी आप चिड़ियाघर रोड पे हैं, कहाँ पे हैं, सही है। ये हर जगह का बताएगा किस टाइम कहाँ चली है, कितने कितनी एवरेज स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, 174। ठीक सब कुछ इसमें है। ये क्या चीज है? एयर बैग वगैरह, ये जो भी लाइट प्रॉपरली मतलब फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही, सारे फीचर्स। कोई भी अगर लाइट होगी, कोई प्रॉब्लम होगी गाड़ी में, सीधा तो फोन के ऊपर आ जाए। ये बड़ी सही चीज है यार, गाड़ी पूरी डायग्नोज कर सकते हैं हम इसमें, हैंड ब्रेक है नहीं है सब कुछ बता देती है। ये यहाँ पे एक बटन है शिफ्ट लॉक रिलीज, ये क्या चीज है भाई? ये बेसिकली जब यहाँ पे इसके बैक साइड में एक बटन है, ये काम करना बंद करता है तो उसके बाद ये यूज होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए, हाँ, जैसे अगर फोन चार्जिंग लगाना हो तो आप दिखाता हूँ यहाँ पर सीधा। सही है। यहाँ पे आप इसका ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको इसके कप होल्डर्स और दिखा देता हूँ। 1, 2, 3 बोतल होल्डर भी है इसमें। इसमें इतना सारा सामान, क्या बात है। हेडरेस्ट बड़ा सही है यार इसका, वहाँ पे भी आपको उस साइड मिल जाता है। पीछे की साइड जो सीट है उसके बीच में आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर एक और फीचर है, अगर हम की को इसके ट्रंक के पास से यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये गाड़ी ओपन हो जाएगी, देखो ऑटोमेटिक। क्या बात है यार, ये बड़ी सही चीज है। कितने लीटर का इसका ट्रंक? बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कितने लीटर का ट्रंक है इसका। इसकी मेन सीट पर बैठा हूं तो ये सीट पूरी पीछे नहीं हुई है, ये सीट अब पूरी पीछे हुई है। आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'10" है और अच्छा खासा हेडरूम है अभी मेरे पास। ये इसकी साइड की सीट, अब मैं आपको पीछे वाली सीट पर बैठकर दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, स्पेस काफी सारा स्पेस बचा हुआ है, अभी सीट बहुत ज्यादा पीछे है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ चारों सीट इसकी मिल जाती है। ये आप इसके कप होल्डर देख लीजिए, काफी अच्छी सीटिंग है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। ये इसके पीछे एयर वेंट्स, साथ में इसके यहाँ पे एक चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है पीछे। साथ में इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड जो है वो कंपनी फिटेड मिल जाती है, ताकि ओनर को पूरी प्राइवेसी मिल सके। ये मैं आपको इसकी एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सुंदर सी एलईडी लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर इसका हैलोजन है, एलईडी नहीं है। यहाँ पे आपको 2.5 इंच प्रोजेक्टर मिल जाता है फोग लैम्प के अंदर। बहुत सारा क्रोम का एक्सेंट दे रखा है। यहाँ पे सुंदर सी क्रोम की ग्रिल, काफ़ी बोल्ड लगती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, एलईडी डीआरएल्स भी, क्या बात है। आप एक बार इसकी हेडलाइट्स चेक कर लीजिए, सही है यार। या ब्लैक क्रोम देख लीजिए, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, ये ब्लैक क्रोम है। ये अभी हुंडई ने अभी लॉन्च किया है। साथ में इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स। टायर सेक्शन कितना है? 195/15 R16। वरना गाड़ी सबसे ज्यादा सुंदर ब्लैक में ही लगती है। ये इसमें क्रोम का ऑप्शन दे रखा है। नंबर अभी गाड़ी का बिल्कुल नहीं आया। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ।
गाड़ी की प्रोफाइल कैसी है? 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। ये आप चारों साइड्स देख लीजिए इसकी। अलॉय व्हील्स काफी सुंदर डिजाइन के हैं। एक बार मैं अब आपको इंजन बे और खोल के दिखा देता हूँ इसका। ये इसका इंजन बे है, 1.5 लीटर टर्बो डीजल। अब इसमें ये पिंक कलर का क्या कूलेंट दे रखा है? क्या बात भाई, हुंडई और किया है तो चौंचले तो होंगी, ये बात तो फिक्स है। BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भाई ये इसमें नई वायरिंग दी है इंटेक। अच्छा। एयर इंटेक में, एयर इंटेक के अंदर भी वायरिंग है। हाँ, BS6 नॉर्म्स पूरे करने होंगे। ठीक, सही। अरे एक इसमें वो भी तो डलता है ना, एक्स्ट्रा एक वो फ्लूड आता है यूरिया। हाँ। एक वो भी डलता है इसमें, डीजल में नहीं डलता। सही है यार, इसमें डीजल के अंदर एक्स्ट्रा कोई फ्लूड डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको इनोवा और स्कॉर्पियो में देखने को मिलता है। इसमें वो भी होता है, अगर हम प्रीमियम डीजल ना डलवाएं इसमें तो इसका टर्बो आवाज करने लग जाता है। प्रीमियम डीजल ना हो तो आवाज करने लग जाएगा, अगर लोकल डीजल डलवाएंगे तो नोकिंग होती है इंजेक्टर्स में। सही है। मेरे पास गाड़ी की है, अब हम आपको ब्लूलिंक से गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। अभी मैसेज जा चुका है गाड़ी के पास। देखा, ये है ब्लूलिंक फीचर का कमाल, सबसे बेस्ट भाई। सीरियस, मैं आपको ड्राइव रिव्यू भी बता देता हूँ इस गाड़ी का। वैसे तो अच्छा ही होगा क्योंकि 1.5 लीटर डीजल है तो ये गाड़ी भागती बहुत बढ़िया है। अब मैं जरा बैक कर लूँ गाड़ी को। मोड कौन कौन से इसमें? पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। स्पोर्ट्स मोड नहीं दे रखा है इसमें? नहीं, ये प्लस माइनस है यहाँ पे। अच्छा, मैनुअल लगा था। हमारे आगे गाड़ी अड़ गई। अंकल हटा लो, हमें जल्दी है। प्राइस के ऊपर हम वो रील्स बना सकते हैं। हाँ। वरना ले लेंगे। सनरूफ खोल के रील्स बनाया करो इसके ऊपर। तरक्की देख मेरी भाई का आईफोन, भाई की वरना। बस भाई, चंडीगढ़ गेड़ी रूट बस ये। एक्चुअली इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है, मेरे को एक्सेलरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही और ये अपने आप उठ रही है काफी अच्छे टॉर्क के साथ। अब इसका हाई एंड और लो एंड में बता देता हूँ कैसा है। लो एंड बड़ा सही है यार, लैग नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। कैबिन के अंदर हल्की सी नॉइज है क्योंकि इतनी होना तो जायज है। अब गाड़ी ने गियर बदला लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने गियर बदला है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, ब्रेकिंग भी काफी गजब की है। सामने हमारे ट्रैक्टर चल रहा है भाई। इसमें ना पारिस बनाएंगे, ये हमारी कार है, ये हम है और यहाँ पारी हो रही है। सस्पेंशन यार, एक्चुअली सस्पेंशन मैं ऑल रोड ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को हल्के से स्टिफ लगते हैं बाकी गाड़ियों के, और वो नेचुरल है। बाकी सेल्टोस जितने स्टिफ नहीं है इसके, काफी अच्छे सस्पेंशन है लेकिन टाटा के मुकाबले हल्के से स्टिफ है। बाकी स्टिफ सस्पेंशन का ये है कि गाड़ी स्टेबल ज्यादा रहती है, कॉर्नरिंग अच्छी रहती है। क्या बात है भाई, पिकअप बहुत बढ़िया है यार, सीरियसली। और इसकी कीमत अराउंड ऑन रोड 19 की। हाँ जी, ठीक। तो 20 से नीचे आपको एक फुल्ली फीचर लोडेड प्रीमियम सेडान मिल जाएगी। अगर आपको भी हमारी तरह बदमाशी के फार्म भरने हो तो आप काले रंग की वरना ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।